है श्रुति। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस कहावत को सच कर दिखाया है जम्मू कश्मीर में रहने वाली साइमा उबैद ने, जो कि पावर लिफ्टिंग में करियर चुनने वाली पहली महिला बन गई है। आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन है ये साइमा उबैद। मूल रूप से जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की रहने वाली है साइमा उबैद। साइमा ने प्रारंभिक शिक्षा श्रीनगर से ही किया है। प्रारंभिक शिक्षा के बाद साइमा उबैद ने श्रीनगर के गवर्नमेंट कॉलेज से होम साइंस में ग्रेजुएशन किया है। आपको बता दें कि वो एक बच्चे की माँ भी है। वो पावर लिफ्टिंग करने के साथ साथ अन्य महिलाओं को ट्रेनिंग भी देती है। आइए आप जान लेते हैं कि साइमा का पावर लिफ्टिंग में करियर कैसे बना। दरअसल जम्मू कश्मीर में हर साल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन होता रहा है। वैसे तो इस प्रतियोगिता में पुरुष हिस्सा लेते हैं, लेकिन साल 2021 में ये प्रतियोगिता उस समय चर्चा में आई जब पहली बार महिलाओं के लिए पावर लिफ्टिंग का आयोजन हुआ। साइमा उबैद ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। इतना ही नहीं, साइमा ने पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी हासिल किया और जम्मू कश्मीर के साथ ही देश का नाम भी रोशन किया। साइमा के नाम 255 किलो वजन उठाने की उपलब्धि है। इस सफर में सबसे ज्यादा अगर उनका कोई बखूबी साथ निभाया तो वे थे उनके पति उबैद। जी हाँ, साइमा का शुरू से ही खेलों के प्रति रुझान था और वो खेलों में कुछ अलग हटकर करना चाहती थी, लेकिन तमाम बंदिशों के चलते वो अपने सपने को मन में ही दबा करके बैठ गई। इसी बीच उनकी शादी हो गई। शादी के बाद एक बच्चा भी हुआ, लेकिन सपना मन के भीतर पलता रहा। साइमा ने अपने मन की बात अपने पति उबैद से शेयर की। पति ने उनका सपोर्ट करना जारी रखा और उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया। पति भी चाहते थे कि वो दूसरी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने और कुछ करके दिखाएं। साइमा के पति का कहना है कि उन्होंने उनके अंदर वेट्स उठाने का प्राकृतिक स्ट्रेंथ देखा। उसके बाद उन्होंने उनको पावर लिफ्टिंग का आइडिया दिया और ट्रेनिंग दी, और आज वो अच्छा कर रही हैं। साइमा श्रीनगर में फिटनेस ट्रेनर है और उन्होंने सभी पतियों को ये संदेश दिया कि उन्हें अपनी पत्नी का बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश करनी चाहिए। अब वे किस तरह महिलाओं के लिए बनना चाहती हैं एक मिसाल आइए जान लेते हैं। कश्मीर की साइमा उबैद देश की उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल बनना चाहती हैं जो किसी दबाव के चलते अपने सपने पूरे नहीं कर पाती हैं। मीडिया से बातचीत में साइमा ने बताया कि शादी और बच्चे हो जाने के बाद भी उन्होंने अपने इस स्पोर्ट्स को जारी रखा। वे ये साबित करना चाहती हैं कि महिलाएं हर हाल में अपने सपने पूरे करने का हौसला रखती हैं। साइमा के अनुसार, अगर आप किसी काम को पूरी लगन के साथ करना चाहें तो दुनिया की कोई ताकत उसे करने से आपको रोक नहीं सकती है। इस तरह से सोशल मीडिया पर साइमा की जमकर तारीफ भी हो रही है। जी हाँ, 255 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीतने के बाद साइमा उबैद को सोशल मीडिया पर खूब तारीफें मिल रही हैं। किसी ने कमेंट में लिखा है स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो किसी ने कमेंट में लिखा है साइमा उबैद को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। तो आपको कैसी लगी हमारी ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द फुलझड़ी के साथ। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।